वायुसेना ने अभियान को ऑपरेशन बंदर का नाम दिया था। 26 फरवरी को पाकिस्तान के बालाकोट में भारतीय वायुसेना ने एयर स्ट्राइक की थी। अभियान को गोपनीय रखने के लिए इसे ऑपरेशन बंदर का नाम दिया गया था। अभियान में 12 मिराज फाइटर जेट के जरिए बालाकोट में आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया था। इस ऑपरेशन में 250 से 300 आतंकी मारे गए थे। 14 फरवरी को पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले पर हुए आतंकी हमले के जवाब में इस स्ट्राइक को अंजाम दिया गया था। पुलवामा हमले में 40 जवान शहीद हुए थे। मिली जानकारी के अनुसार हमले की योजना को गुप्त रखने के लिए ऑपरेशन को यह नाम दिया गया था। इस बारे में और ज्यादा जानकारी देने से इनकार करते हुए सूत्रों ने कहा था कि बंदरों का हमेशा से ही भारत के युद्ध इतिहास में अहम स्थान रहा है। रामायण काल में भी भगवान राम की सेना के सेनापति हनुमान थे, जो चुपचाप लंका में दाखिल हुए थे और उसे जला दिया था। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत ने पीओके में अभी भी आतंकी कैंप होने के सबूत पेश किए हैं। ये भी कहा है कि इन कैंपों को पाकिस्तानी सेना भी मदद करती है। भारत ने बताया कि पीओके में 11 आतंकी कैंप हैं। मुजफ्फरबाद और कोटली में 5 से 5 और एक कैंप बरनाला में है। ब्यूरो रिपोर्ट, WNN न्यूज़।